नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं वैगनर सीएनजी वेरिएंट के ओनर रिव्यू की। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूं इस गाड़ी का। तो ये गाड़ी जो है वैगनर सीएनजी, हमें दो वेरिएंट्स में मिलती है, एलएक्सआई और एलएक्सआई ऑप्शनल। ड्राइवर और को ड्राइवर एयरबैग्स का डिफरेंस है। जो एलएक्सआई वेरियंट है उसमें हमें ड्राइवर एयरबैग मिलता है, लेकिन जो एलएक्सआई ऑप्शनल वेरियंट है उसमें हमें डुअल एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर मामले में ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी है, चाहे वो बात हो डिज़ाइन की, स्पेस की, माइलेज की, हर मामले में गाड़ी अच्छी है। बेस्ट चीज़ ये है कि इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, चाहे वो कैबिन स्पेस हो या फिर नी स्पेस हो या फिर बूट स्पेस हो। सीएनजी टैंक के साथ भी जो बूट स्पेस है हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो आज हमारे साथ हैं अमर, जिनके पास है वैगनर का एलएक्सआई सीएनजी वेरिएंट, और इसका आज हम ओनर रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या है इस गाड़ी के पॉजिटिव, नेगेटिव और कोई भी अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सर, हाय कह दिए। हाय। तो हमारे पास है, सबसे पहले आप ये बताइए कि कितने प्राइस का पड़ा है आपको दिल्ली में? दिल्ली का मुझे नहीं है, मैंने हरियाणा से लिया है। ओके। और मुझे 545 ऑन रोड पड़ी है। ओके, ठीक है। क्योंकि मुझे, और मैंने दिल्ली में पूछा था दो तीन शोरूम पे, उन्होंने मुझे 560 से नीचे किया ही नहीं। तो एक फेयर डील मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने मुझे 15,000 का फ्लैट डिस्काउंट दे दिया था, अच्छा, तो इसलिए मैंने वहां से ली थी। तो कितने टाइम बाद आपने ली थी लॉन्च होने के बाद, जो आपको डिस्काउंट मिल गया 15,000? लॉन्च होने के बाद तो कह नहीं सकते, मुझे बस नीड थी, मैंने इसलिए जल्दी ले ली। लॉन्च तो ओके। काफी पहले हो चुकी थी। कैसा, ऐसा क्या रीजन था आपने वैगनर ही परचेज की, और भी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन किया होगा? पहले तो मैंने अपना बजट देखा कि मुझे 5 लाख के अराउंड में ही एक गाड़ी चाहिए जो फैमिली जिसमें फिट हो जाए। तो मैं पहले अल्टो देखने गया, अल्टो 800। तो मैंने उसे बैठ के देखा तो लेग स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं था ना पीछे वालों के लिए, आगे वाला अगर सीट पीछे कर ले तो लेग स्पेस खत्म। फिर मैंने टियागो देखी, टियागो में भी वो वाली बात नहीं थी। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला एक बार वैगनार नई वाली आई है वो देखो, ट्राई करो। तो मैं जैसे ही इसमें बैठा, मुझे पहले वाली, मैंने सोच के बैठा था कि पहले वाली जो वैगनार है उसके जैसी होगी, बट मैं अंदर बैठा तो मुझे लगा बहुत स्पेस है, अच्छी गाड़ी है। तो अंदर बैठते ही मुझे लगा कि हाँ, जैसे मैं ब्रीजा में बैठ गया, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है ब्रीजा से। स्पेस वाइज स्पेस काफी अच्छा है इसका, स्पेस अच्छा है। आप पीछे पूरी सीट कर लो तो भी पीछे वाले के लिए बहुत लेग स्पेस होता है। ओके। बूट स्पेस बहुत अच्छा है, सिलेंडर सीएनजी का सिलेंडर लगाने के बाद भी बूट स्पेस काफी अच्छा है, उसमें दो बैग आ जाते हैं आराम से। ओके, ठीक है। और कितने किलोमीटर चल गई गाड़ी? अभी 4,000 किलोमीटर चल गई। और कभी कुछ ऐसा लगा कि आपको पिकअप इशू आ रहा है या एक्सीलरेशन इशू आ रहा है? नहीं, ऑन रोड तो हाईवे बहुत अच्छी चलती है और सिटी में भी अच्छी चलती है, बट ये है कि जब मैं पूरी लोड थी गाड़ी, 5 लोग बैठे हुए थे, बट स्लोप पे जैसे ही मैं चढ़ा था हल्का सा लोड ले गई थी बस। अच्छा, उसमें थोड़ा होता है सीएनजी पे, प्रेशर बढ़ता है। ओके। और कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ सीएनजी मोड में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई काफी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और किसी तरह का कोई भी और इश्यू आपको लगा इस गाड़ी में, कोई भी नेगेटिव कुछ भी, मतलब आपको प्रॉब्लम आई हो? अभी तक चलाने में तो कोई इश्यू नहीं आया। हाँ, जैसे कोई शार्प टर्न आता है तो थोड़ा बैलेंस इसका इधर की साइड हो जाता है, तो वो तो है थोड़ा सा। और बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पहले वाली से बेटर है। और माइलेज आपको क्या मिल रही है? अभी माइलेज मुझे 25 से 30 के बीच में मिल रही है ओके सीएनजी में। हाँ, और सिटी में मुझे 25-24 मिल जाती है आराम से। तो पेट्रोल वेरिएंट में, पेट्रोल मोड नहीं, में भी आपने करी है? पेट्रोल में अभी मैंने नहीं चलाई है, पेट्रोल में मैं अभी सीएनजी पे चला रहा हूँ इसे। ठीक है। और कभी ऐसा कुछ लगा कि सस्पेंशन में मतलब हार्ड लग रहा है आपको या इतना अच्छा नहीं लगा नहीं, सस्पेंशन? सस्पेंशन तो ऐसा नहीं फील हुआ, और 5 लोग बैठ के भी जाते हैं तो भी अच्छा ही परफॉर्म देती है रोड पे भी, गड्ढे आ जाए एकदम से तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाए। और कभी ग्राउंड क्लियरेंस से प्रॉब्लम आई? ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है, उसमें भी कभी नहीं हुआ। ऊंचे ऊंचे ब्रेकर थे उनपे भी आराम से निकल जाती है, बहुत ऊंचे ब्रेकर पे। अच्छा, राइड एंड क्वालिटी मतलब कैसी लगी आपको? राइड तो बहुत बढ़िया है, मेरे को जब से मैं चला रहा हूँ बहुत अच्छी लगी मेरे को ना। इसमें कोई ऐसा फील होता है कि मैं जैसे थकान हो गई है ज्यादा, या पैरों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। और क्वालिटी अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्वालिटी में कुछ है, जैसे कहीं से कुछ लगा के हल्का है या वो है, बस हाँ डोर थोड़े से थोड़े और हैवी होने चाहिए थे बस। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज क्या लगी जो आपको लगता है कि हाँ मतलब
सबसे बेस्ट है ये? सबसे बेस्ट मुझे और गाड़ियों से इस रेंज में कंपेयर किया तो मुझे इसका प्राइस प्लस इसकी स्पेस जितना है और इसके जो मॉडल बनाया पहले से बेटर लुक वाइज बहुत बेटर बनाया इसको. पहले वाली अगर होती तो मैं उसे नहीं लेता, तो उसे बेटर बनाया है लुक वाइज भी और स्पेस वाइज. ठीक है, सो ये था वैगनर CNG वेरिएंट का ओनर रिव्यू. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा. और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. थैंक यू. जय हिंद.